सांप डसने के बाद माँ बाप अपनी दो मासूम बेटियों को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय बाबा के पास ले गए। बाबा ने 3 घंटे तक झाड़ फूक किया, भस्म देता रहा, इसके बाद भी होश नहीं आया। तब आखिरकार परिजन बच्चियों को लेकर अस्पताल भागे। हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चला कि दोनों पहले ही दम तोड़ चुकी थी। मामला दौसा जिले के सूरजपुरा गांव के रामदास वालों की टाढ़ी का है। जानकारी के अनुसार रोहितास मीर परिवार के साथ कमरे में सोया हुआ था। मंगलवार रात को 2:30 बजे कमरे में सांप घुस गया। इसने पहले पिता के पास सो रही 2 वर्षीय छोटी बेटी वंश को डसा। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वह चिल्ला भी नहीं पाई और बेसुध हो गई। इसके बाद सांप ने माँ पूजा देवी के पास सो रही 4 साल की मान्या को भी कान के नीचे डस लिया। सांप के डसते ही मान्या चिल्लाने लगी तो पूजा जग गई। उठकर लाइट जलाई तो देखा बेटी के कान पर सांप लटका हुआ था। पूजा ने सांप को छोड़ाकर दूर फेंका। चीखने और रोने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य लोग भी आ गए। इतने देर में दोनों बेटियां अचेत हो गईं। इस पर परिवार के लोग दोनों को अलीपुर गांव में भक्तवाला बाबा के यहां ले गए। यहां बाबा ने करीब 3 घंटे तक झाड़ फूक की। बाबा भस्म से इलाज करता रहा, इसके बावजूद बच्चियों को होश नहीं आया। तब लोग दौसा के सरकारी अस्पताल में गए। जिला अस्पताल के इमरजेंसी ड्यूटी प्रभारी डॉक्टर अमित शर्मा का कहना है कि दोनों बच्चियां मृत अवस्था में ही लाई गई थी। जांच की तो बड़ी बच्ची के कान के नीचे काटने का निशान मिला, छोटी बच्ची के शरीर पर कोई निशान या खून नहीं दिखा। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों की मौत सांप के डसने से ही हुई है। उन्होंने बताया कि यदि बच्चियों को उसी समय हॉस्पिटल लेकर आ जाते तो जान बच सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।